हेलो बच्चों, देखो बेटा, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। इसको सुनना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत आराम से ये याद हो जाता है। अब देखिए, बायो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, मोटा मोटा समझ लो। वो केमिकल्स, केमिकल्स हो गए मॉलिक्यूल्स, वो केमिकल्स जो लाइफ को बना के रखते हैं, मतलब वो केमिकल जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, उन केमिकल्स को हम किस नाम से जानते हैं? बाय द नेम ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है बायो मॉलिक्यूल्स की, कि वो मॉलिक्यूल जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, या वो मॉलिक्यूल जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, केमिकल्स, वो केमिकल्स जो लाइफ को या बायो को है ना सपोर्ट करें, प्लांट्स एनिमल्स ऐसे बोल दीजिए, उनको सपोर्ट करते हैं, दैट आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। हम इसका दूसरा नाम बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि तो ये केमिकल्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, सो दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, देखते जाओ ध्यान से और यहाँ से समझते जाओ, और जो आपको लगे नोट करने वाला नोट भी करते जाना। देखो जी, अब ये कौन से मॉलिक्यूल हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो ये हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, वाइटमिन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। तो ये वो केमिकल हैं जो लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो जिंदा रहने के लिए, एनर्जी देने के लिए, हमारी बॉडी के जो भी एक्टिविटीज हैं उनको करने में ये हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और इनका एक और नाम है कॉल्ड बायो केमिस्ट्री, मतलब वो केमिकल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, जरा समझना। अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस इट सेल्फ, सो दैट वी नो द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द लिविंग सिस्टम इज दैट इट इज कंपोज ऑफ नॉन लिविंग एटम्स। जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन लिविंग हैं और ये लिविंग बॉडी को सपोर्ट करते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स जिनको हम क्या नाम से जानते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल मतलब केमिकल, तो बायो केमिस्ट्री भी हम इनको कह सकते हैं, या बायो केमिकल्स कह सकते हो। द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ वट गोज ऑन केमिकली विद इन द लिविंग सिस्टम फॉल इन द डोमेन ऑफ बायो केमिस्ट्री। तो ये आपको मैंने जैसे बताया कि ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी में होते रहते हैं और उसको जिंदा रखने में या उसकी जितनी भी एक्टिविटीज उसको करने में हेल्प करते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायो केमिस्ट्री? सो बायो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच सपोर्ट बायोलॉजिकल लाइफ या लाइफ। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है बायो मॉलिक्यूल्स की, दूसरा क्वेश्चन। तो बायो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, लिपिड मतलब फैट होता है, ठीक है, एंड वाइटमिन्स एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल देता हूँ और फिर मैं आगे चलूंगा। तो आगे चलने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताने वाला हूँ। देखो क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉलीमर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोस जो एक कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। जो पॉलीमर है ये दो वर्ड से बना है, पॉली एंड मर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है स्मॉल रिपीटिंग यूनिट। तो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, न्यूक्लिक एसिड्स हो गई, लिपिड्स हो गई, इन सबको हम पॉलीमर कह सकते हैं। पॉलीमर क्यों कहेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जुड़ जुड़ कर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ये पॉलीमर आपका ग्लूको अपना कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जैसे ये ग्लूकोस है ना, तो ग्लूकोस एक छोटा यूनिट है, यानी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। तो बहुत सारे ग्लूकोस जुड़ जाएं आपस में तो एक बड़ी चेन बनाएंगे जिसे स्टार्च, इस तरह से हम पॉलीमर के नाम से हम जान सकते हैं। तो अभी मैं आपको जैसे मतलब बता रहा था पॉलीमर का मतलब, तो पॉलीमर है क्या, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब स्मॉलेस्ट स्मॉल रिपीटिंग यूनिट और स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। इसको हम मोनोमर भी कहते हैं टेक्निकल टर्म में, ऑल्सो कॉल्ड मोनोमर, ठीक है, इसे हम कहते हैं मोनोमर। एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ पॉलीमर की,
इस एग्जाम्पल का नाम है पॉलीथीन। अब आपने ये सुना हुआ है पॉलीथीन कहीं पे? बताइए, हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इसको, पॉलीथीन को? बोले यस बच्चों, करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पॉलीथीन, तो अगर मैं पॉलीथीन को तोड़ दूं, तो पॉलीथीन को तोड़ दूं तो आपको क्या समझ में आता है? पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी बहुत, और इथीन, और ये हो गया इथीन, यानी बहुत सारे इथीन, बहुत सारे इथीन। मैंने एन लगा दिया, एन मतलब मैनी, लेटर से मैनी। बहुत सारे इथीन को अगर हम केमिकली रिएक्ट कर दें तो ये आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बना देंगे। एक क्या बना देंगे? इस तरह से लंबी चेन। तो मैंने यहाँ पे भी डैश लगा दिया, मतलब ये चेन आगे तक जाएगी, और लंबी चेन, लंबी चेन, इस तरह से लंबी चेन बनाएंगे। अब आप इसे ध्यान से देखो तो ये इथीन वाला मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है ना, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, और एन लगा दिया मैंने, आगे कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा, लेटर से एन तक जाएगा। तो अब मैंने अगर इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, इस पॉलीमर को, पॉलीथीन को, तो मैं ऐसे करूंगा, इस तरह से ब्रैकेट लगाऊंगा। इसका मतलब ये चेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2N, यानी ये पूरी बड़ी चेन को मैंने ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। N का मतलब बहुत लंबी है, यानी ये हो गया पॉलीमर। ये क्या हो गया? हमारा पॉलीमर। और ये हो गया हमारा मोनोमर। मोनोमर, तो मोनोमर वो होता है जो बार बार जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है मॉलिक्यूल की। तो जो एक लंबी चेन बनती है इसे हम पॉलीमर कहते हैं, और जो छोटी चेन है जिसको बार बार रिपीट करके ये बना है, जैसे ये छोटी चेन है, इसको बार बार रिपीट करके बना है ये, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉली, अपना छोटी चेन को मोनोमर और बड़ी चेन को पॉलीमर। तो अब आपको आइडिया लग गया हम पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब पॉलीमर ही हैं समहाउ। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, हम इनको नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर भी कह देते हैं, या फिर सैकराइड्स कह देते हैं। जैसे आपने नाम सुना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट है ना, एक पॉलीमर है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दें तो हमें सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज मिल सकती है। तो मैं ग्लूकोज के बारे में ही आपको बता रहा था। तो जैसे मैंने बताया कि पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर होते हैं बड़े यूनिट जो छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के बने हैं। तो जो छोटी यूनिट है जो बार बार रिपीट हुई है उसे हम कहते हैं मोनोमर। तो इसी तरह से अगर मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स बताओ, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग तरह के मोनोमर होते हैं। बहुत कॉमन मोनोमर है हमारा ग्लूकोज, ठीक है? यानी अगर मैं आपको बोलूं मैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता जाऊं, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी मिलेगी? तो लेटर से ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट को, अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के हमें मिल सकते हैं। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं, अब आप वो समझिए। तो मैं आपको ग्लूकोज के बारे में बता रहा था। सो देखिए, कार्बोहाइड्रेट में एक छोटी यूनिट होती है जिसे मैं मोनोमर कह सकता हूं। इस मोनोमर का नाम है ग्लूकोस। ग्लूकोस का सिम फॉर्मूला तो आपको पता है, C6H6, याद है? O6 याद आ गया, ऐसा ही था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोस बच्चों, याद है आप लोगों को? बोलो बच्चों, C6H6O6, याद आया? ऐसा ही कुछ था, बोलो बच्चों। तो ये है हमारा ग्लूकोस का फॉर्मूला। इसकी जो एक्सपेरिमेंटली स्ट्रक्चर बनाई गई है वो इस तरह से है, CHO, एक लाइन लगा देना इस तरह से, CH2OH, और इस तरह से चार लाइनें, 1, 2, 3, 4। एवरी क्रॉस पॉइंट इज योर कार्बन। तो चेक करो कितने कार्बन हो गए। अब यहां पे आ गया आपका OH, H, OH, और ये आ गया आपका OH, और इसके ऑपोजिट साइड H, ये जहां पे H है उसके ऑपोजिट में OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो अब आप चेक करो, ग्लूकोस में 6 कार्बन है। तो देखो 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन हो गए। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है जो एक्सपेरिमेंटली चेक की गई है, तो ऐसी पाई गई। तो इसे हम फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें ये दी है। तो आपको इसको याद रखना है। तो देखो बहुत ही आसान है याद रखना, कैसे? जैसे मैंने ड्रॉ किया,
जो हमारा ग्लूकोज है C6H6O6 होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने CHO लिखा, एक लाइन लगाई, CH2OH कर दिया, चार लाइनें लगा दी। तो एवरी सेंटर, जो भी ये सेंटर आ रहा है, ये कार्बन है, तो छह कार्बन हो गए। अब H चेक करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैंने ये फॉर्मूला गलत लिखा है, C6H12O6 होता है। तो एक्चुअल जो इसका फॉर्मूला है हमारा ग्लूकोज का, ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 6 है। तो ये है हमारा एक्चुअल में ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक मोनोमर है, इट इज अ मोनोमर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ के एक लंबी चेन बन जाएगी जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे। तो जो ग्लूकोज है एक छोटा पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ऐसी अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट है, उसको ब्रेक करेंगे तो कहीं पे हो सकता है ग्लूकोज मिले, कहीं पे फ्रक्टोज मिले, अलग अलग तरह की चीजें हमें मिल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन। तो ये एक मोनोमर है, एक तरह का मोनोमर है जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं। अब अगर आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से, तो आप पाओगे कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आपको बहुत सारे OH हैं, बहुत सारे OH। OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी, यानी पॉली हाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं तो हम इसको पॉली हाइड्रोक्सी कह सकते हैं। इसी तरह से देखो, OH 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 बहुत सारे पॉली हाइड्रोक्सी, और एक एल्डिहाइड दिखाया मैंने, तो एल्डिहाइड है यहाँ पे, CHO है, एल्डिहाइड है, ठीक है। और कई, जैसे ये ग्लूकोस है तो फ्रक्टोस में भी बहुत सारे OH और कीटोन हो सकता है। तो अब मैं अगर आपसे यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछूं कि भाई मुझे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताओ, क्योंकि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का ही छोटा पार्ट है, तो ग्लूकोस फ्रक्टोस ये सारे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट है। फ्रक्टोस में भी स्ट्रक्चर ऐसी ही आती है, बस एल्डिहाइड की जगह वहां पे कीटोन हो जाता है और वो सेकंड कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या है मॉडर्न डेफिनेशन, जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, जो हमें पेपर में लिखनी है अगर पेपर में आ जाए। अब आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि बताइए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए और इस स्ट्रक्चर के ध्यान के बेसिस पे बोल दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे, क्योंकि ये कार्बन है, ये अपने चार बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से बना रहा है, जैसे ऊपर एल्डिहाइड है या OH है, ये नीचे पूरा बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, इसी तरह से ये कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये जो चार कार्बन है ना, ये अलग अलग आपके एटम से और ग्रुप, आप बोल दीजिए ग्रुप से जुड़ के बॉन्ड पूरे कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन होती है कि दीज दे आर व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी है ना, क्योंकि OH बहुत बार आ रहा है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। जैसे ग्लूकोस में तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में क्या होगा, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये इसकी डेफिनेशन है। और साथ में ऐड कर सकते हो, और द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना, गिव दिस कंपाउंड, है ना, OH और CHO या एल्डिहाइड दें, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप बताइए कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। मैंने जैसे ग्लूकोज की एग्जांपल दी, इसमें बहुत बार OH आ रहा है तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एल्डिहाइड ग्लूकोज में होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बनी दे आर और दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये बनती है हमारी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो अब हमें कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन है और ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो मैंने कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस डाली हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहली बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स तो हमें पता चली गया, बायोमोलिक्यूल्स मतलब पॉलीमर्स, पॉलीमर मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है, बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स दे आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम
एंड आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग चीजें हैं जो लाइफ लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब इसकी एग्जांपल याद रख लीजिए, देखिए पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स इज कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ये सारी कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स होती हैं। और ये बीच में लिखी हुई एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ये सारा। प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके? बायोमोलिक्यूल। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन हमें याद भी हो गई है। अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अभी अभी मैंने पढ़ाई आपको, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने ग्लूकोज के बारे में बताया, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है एल्डिहाइड वाला, इसी तरह से फ्रक्टोज कीटोन वाला है। तो मैंने वहां पे हिंट दे दिया आपको, कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या कोई ऐसा कंपाउंड जिसको हम तोड़ें। हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे मतलब है तोड़ना, तोड़ने पे हमें ये चीजें मिलें। अब कार्बोहाइड्रेट्स के में एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए? तो देखिए ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, तो ये पॉलीसेक्राइड, ये सारे आपके क्या आते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा ग्लूकोज है ये एक छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, इस छोटे यूनिट को हम मोनोमर कह सकते हैं। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे उन्होंने तो क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, हमें केमिस्ट्री में उतनी नहीं चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से, क्या बता रहा हूँ? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस तरह से हमने तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहले पार्ट का नाम है मोनोसेकेराइड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम इनको जो स्वीट होते हैं हम इनको अपना शुगर कहते हैं, और सेकेराइड्स भी कहते हैं। तो ये देखो मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। अब ये मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट कैनॉट बी ब्रोकन फर्दर इंटू स्मॉलर यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ग्लूकोज के बारे में बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जरा ध्यान से समझना, आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, आपने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोलाइज करना मतलब इसको तोड़ दिया, ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, H+H2O, हाइड्रोलाइज कर दिया आपने इसको, तोड़ा। जब आपने इसको तोड़ा तो यू गेट मैनी ग्लूकोस या फ्रक्टोस मिल गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि यू गॉट मैनी ग्लूकोस। अब ग्लूकोस जो है वो छोटा यूनिट है, इससे अगर ज्यादा तोड़ोगे तो एटम फॉर्म में चला जाएगा। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं, तो जो सबसे छोटी यूनिट मिलती है, सिंगल यूनिट, सबसे छोटी जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, तो उसे हम कह देते हैं मोनोसेकेराइड्स। तो ग्लूकोस इज वन ऑफ द मोनोसेकेराइड, यानी मोनोमर। तो इसी तरह से और कौन कौन से हमें चीजें मिल सकती हैं? ग्लूकोस मिल सकता है, फ्रक्टोस मिल सकता है, राइबोज मिल सकता है, देखो ओज ओज ओज, तो जितने भी आपके शुगर होते हैं ना, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, ओज, तो ऐसे याद रख लो। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए गिव द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड्स, तो आप दे दीजिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इसको याद कर लीजिए। देखो अभी याद हो गया कि भाई मोनोसेकेराइड की एग्जाम्पल दो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो इस तरह से आप अपने ब्रेन में डाल लो कि मोनोसेकेराइड होता है सबसे छोटी यूनिट। कार्बोहाइड्रेट को तोड़े तो जो सबसे छोटी यूनिट हमें मिल सकती है वो कौन कौन सी है? ग्लूकोज बहुत कॉमनली है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, कीप इन माइंड। अब आता है हमारा ओलिगोसेक्राइड। तो देखो ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। मान लीजिए आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आपने उसको हाइड्रोलाइज किया, ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ जरा ध्यान से समझना। मान लीजिए आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, आपने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, हाइड्रोलाइज किया। अब ये टूट गया, इसने टूट के या तो 2 ग्लूकोस बनाए, यानी 2 से 10 के बीच में ये मोनोमर्स बनाएगा, 2 से 10 की चेन बनाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि टूट के सिर्फ ग्लूकोज 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 मिल रहा है, तो ग्लूकोज इज वन चेन, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे हो सकता है आपको 2 ग्लूकोस या 10, 2 से लेके 10 के बीच में मिले, तो इसे हम कह देते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ोगे तो आपको 2 ग्लूकोस मिलते हैं, यानी 2 ग्लूकोस से बना हुआ है। माल्टोज,
आपका जो सुक्रोज है ग्लूकोज फ्रक्टोज से, माल्टोज दो ग्लूकोज से, रैफिनोज स्टैक की रोज थोड़ा बोलने में मुश्किल है, तो यहाँ से दो एग्जांपल आप याद कर लें। तो ओलिगोसेकराइड्स वो होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो शुगर यूनिट, दो से लेके 10, जैसे सुक्रोज मान लेते हैं ये ग्लूकोज ग्लूकोज का बना है, या ग्लूकोज फ्रक्टोज का बना है, इसी तरह से माल्टोस दो ग्लूकोज का बना हुआ है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोमर से लेके 10 मोनोमर के जुड़ने से बने हैं, दो मोनोमर से लेके 10 मोनोमर के जुड़ने से बने हैं, उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, कीप इन माइंड। ठीक है, अब आता है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, एग्जाम्पल स्टार्च सेलुलोज। तो इनकी गिनती ही नहीं है कितने, बहुत, स्टार्च को तोड़ोगे तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे, यानी पॉलीसेकेराइड्स, यानी बहुत ज्यादा, यानी ये 2 से 10 था, 10 से ऊपर को हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। सेलुलोज को तोड़ोगे तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। सो एक बार फिर से देखो, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम तोड़ें, तोड़ने पे हमें एक एक छोटी यूनिट मिले, दैट ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ छोटी यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, मतलब सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें जब हम तोड़ेंगे तो या तो हमें 2 ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे, या 3 मिलेंगे, या 4 मिलेंगे, या 5 मिलेंगे, तो टोटल 10 तक मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ोगे तो दो आपको एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिलेगा, यानी 2 यूनिट्स मिले। माल्टोज को तोड़ोगे तो आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, यानी 2 यूनिट्स मिले। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यानी 2 से लेके 10 तक। जैसे मान लो आपने 2 बच्चों की चेन बना दी, जैसे मान लो हमारी क्लास में, इस तरह से समझ लो कि हमारी क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ईच स्टूडेंट लेटर से ग्लूकोज, ईच स्टूडेंट जो है हमारा ग्लूकोज है, यानी एक बच्चा ग्लूकोज है, एक यूनिट है। तो 2 बच्चों ने हाथ पकड़ा और एक चेन बना दी, तो ये 2 की रेंज आ गई, तो ये ओलिगोसेक्राइड में आ गया। या 3 बच्चों ने पकड़ा एक दूसरे को और एक 3 बच्चे की चेन बना दी, तो इन 3 बच्चों को हम बोलेंगे आपको ओलिगोसेक्राइड, ऐसे ही 10 तक। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारी ओलिगोसेक्राइड की डेफिनेशन। अब इसमें से सिंपल एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा, यानी ये सिंगल यूनिट हो गई, सिंपल एक बच्चा जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, तो मोनोसेकेराइड्स वो यूनिट है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, क्लास का हर बच्चा एक मोनोसेकेराइड है। अभी एक बच्चा दूसरे बच्चे से जुड़ के चेन बना दे, मान लो दो बच्चों से लेके 10 बच्चों की चेन बना लो, दैट इज ओलिगोसेकेराइड। 10 से ऊपर चले जाओ, सो दैट वुड बी पॉलीसेकेराइड। तो आज मैं एक बार दोबारा ये समझा के मैं यहाँ पे लेक्चर एंड करूंगा। तो हमने क्या क्या याद कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन याद कर ली, और ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, और हमने ये पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट है हम उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो पहली कैटेगरी का नाम है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सबसे छोटा ग्लूकोज होता है जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। समझाने के लिए मैंने स्कूल के बच्चे की एग्जाम्पल ली, जैसे मान लो कि +2 में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चे को ग्लूकोज मान लो, तो हर बच्चा एक यूनिट हो गया ना, उस बच्चे को हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा मान लो। बच्चे को तोड़ोगे तो कुछ नहीं है, तो हर बच्चा एक यूनिट हो गया, तो दैट यूनिट इज कॉल्ड सुक्रोज, अपना ग्लूकोज फ्रक्टोज, इस तरह से। ठीक है ना, तो हर बच्चे का अलग नेचर होता है, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का अलग नेचर है, फ्रक्टोज का अलग है। जैसे इसमें एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें किटोन होता है, इस तरह से इसमें कुछ और होगा। तो मोनोसेक्राइड्स सिंपल यूनिट्स होते हैं, सिंपल छोटे, सबसे छोटा ग्लूकोज, सबसे छोटे यूनिट ग्लूकोज जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। इसी तरह से ओलिगोसेक्राइड में क्या बताया कि 30 बच्चे हैं, तो ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 ग्लूकोज से मिलके बने, या 1 ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से मिलके बने, है ना, यानी या 3 ग्लूकोज को मिला के बने, या 4 ग्लूकोज को मिला के बने, चेन बना ले। जैसे 2 बच्चों ने चेन बना ली, 3 बच्चों ने चेन बना ली, तो वो ओलिगो में आएगा, 10 तक की चेन, 10 से ऊपर तक की चेन को हम कह देते हैं पॉलीसेक्राइड। तो पेपर में लिखना क्या है, पेपर में यही लिखना है जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं और डेफिनेशन दी है। अगर पूछ लिया जाए व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, तो बोलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकर इनटू स्मॉलर यूनिट, जो खुद से ही छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, एग्जाम्पल सुक्रोज माल्टोज। 2 एग्जाम्पल याद कर लो, सारी कर सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज 2 तो जरूरी है, ये दोनों सुक्रोज एंड माल्टोज। अब पूछ ले भाई पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस
लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिसको जब हम ब्रेक करें तो हमें बहुत सारे ग्लूकोस या बहुत सारे फ्रक्टोस या इनका कॉम्बिनेशन मिले, बहुत सारे ग्लूकोस और फ्रक्टोस का कॉम्बिनेशन मिले, तो इनको हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, इसे आप याद कर लीजिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, अब आप इसे नोट बनाएंगे और याद करेंगे।